रहमान रहीम। फार्माकोलॉजी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है थायराइडल और एंटी थायराइडल ड्रग्स। तो एक्चुअली थायराइड ग्लैंड जो है उसके हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। जब थायराइड हार्मोन की ओवर सिक्रीशन होती है तो इसे हम बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। और जो थायराइड हार्मोन्स के है उसकी जो सिक्रीशन नॉर्मल लिमिट से कम हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो हाइपरथायराइडिज्म जो है उसको ट्रीट करने के लिए अपने ड्रग्स हैं और हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए अपने ड्रग्स हैं। तो जो हाइपरथायराइडिज्म है या जो थायरोटॉक्सिकोसिस है, देयर इज़ एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द थायराइड हार्मोन रिजल्टिंग इन ए हाई मेटाबॉलिक रेट, एन इंक्रीज इन स्किन टेम्परेचर एंड स्वेटिंग एंड ए मार्क सेंसिटिविटी टू द हीट। हाइपरथायराइडिज्म में हमारा जो स्किन है वो वार्म अप रहता है, स्वेटिंग होती है, मेटाबॉलिक रेट तेज़ होता है और जब गर्मी ज़्यादा होती है तो वो हद से ज़्यादा फील होती है। इसमें नर्वसनेस होता है, आदमी जो है आसाबी तौर पे फिट नहीं होता, ट्रीमर्स होते हैं, हाथ लरसते हैं, टेकिकार्डिया होते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट, हीट सेंसिटिविटी एंड इंक्रीज एपिटाइट एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ वेट अकर। भूख तो ज़्यादा लगती है लेकिन वेट गेन कम हो जाता है, वेट गेन नहीं होता। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म बट ओनली टू आर कॉमन। इसको एक को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़ या डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर या एक्सोप्थाल्मिक गोइटर, और एक को बोलते हैं टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर और नॉन ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, जो हाइपरथायराइडिज्म है इट मे बी ट्रीटेड फार्माकोलॉजिकली और सर्जिकली। इन जनरल सर्जरी इज़ यूज ओनली व्हेन देयर आर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्राम द कंप्रेशन ऑफ द ट्रेकिया। जब थायराइड ग्लैंड इतना बढ़ जाए कि वो ट्रेकिया पे प्रेशर डाले तो फिर उसको सर्जिकल रिमूव करना मजबूरी बन जाता है, अदरवाइज इट कैन बी ट्रीटेड फार्माकोलॉजिकली। एंड इट इज़ यूजुअल टू रिमूव ओनली पार्ट ऑफ द आर्गन। तो सिर्फ हम ये एसेंशियल ग्लैंड है बॉडी का, हम पूरे ग्लैंड को नहीं रिमूव करेंगे, टोटल थायराइडेक्टमी नहीं करेंगे, पार्शल करेंगे। ठीक है, ऑल्दो द कंडीशन ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म कैन बी कंट्रोल्ड विद एंटी थायराइडल ड्रग्स, दीज ड्रग्स डू नॉट अल्टर द अंडरलाइंग ऑटो इम्यून मैकेनिज्म आर इम्प्रूव द एक्सोप्थाल्मोसिस एसोसिएटेड विद द ग्रेव्स डिजीज। ये जो ड्रग्स हैं ये अगर जो थायराइडल डिजीज़ है हाइपरथायराइडिज्म है अगर वो बॉडी के अंदर खुद से क्रिएट हुआ है, ऑटो इम्यून है या ऑटो एंटीबॉडीज़ थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो एक्चुअली इस कंडीशन में हम थायराइडल ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस को लाइफ टाइम के लिए हम जो है ना ड्रग्स पे फिर डालेंगे, लेकिन वो कम्प्लीटली एबॉलिश नहीं होगा, कंट्रोल ज़रूर होगा, सिर्फ कंट्रोल होगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो ड्रग है हाइपरथायराइडिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट यानी जो पहला ड्रग है वो है रेडियो आयोडीन, यानी ऐसा आयोडीन जो रेडिएशन इमिट करे, इसको हम बोलते हैं आयोडीन 131। ठीक है, इसके हम क्रूड आयोडीन यूज़ नहीं करेंगे, आयोडीन 131 इज़ ए रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ द आयोडीन एंड इट इज़ गिवन एज ए द सोडियम साल्ट यानी सोडियम आयोडाइड। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये हम ओरली देते हैं, इट इज़ टेकन अप एंड प्रोसेस बाय द थायराइड इन द सेम वे एज द स्टेबल फॉर्म ऑफ आयोडाइड। तो जब हम ओरली रेडियोएक्टिव आयोडीन देते हैं तो आयोडीन जो है आयोडीन 131 ये GIT से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिस तरह के बॉडी में दूसरा जो मिनरल आयोडीन है उसी तरह ये एब्जॉर्ब होता है। इट गोज़ इनटू द थायराइड ग्लैंड एंड इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू द थायरोग्लोबुलिन पार्ट। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, द आइसोटोप एमिट्स बोथ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, द गामा रेज पास थ्रू द टिश्यू विदाउट काजिंग डैमेज। ठीक है, गामा जो रेज ये आयोडीन 131 रिलीज़ करते वो टिश्यू को डैमेज नहीं करता, बट द बीटा पार्टिकल्स हैव ए वेरी शॉर्ट रेंज, दे आर एब्जॉर्ब बाय द टिश्यू एंड एग्जर्ट ए पावरफुल साइटोटॉक्सिक एक्शन दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द सेल्स ऑफ द थायराइड फॉलिकल। तो ये जो गामा रेज है ये थायराइड फॉलिकल्स के अंदर ये बीटा रेज जो हैं ये एमिट होते हैं और वो जो
एक्स्ट्रा टिश्यू है जो थायरोटॉक्सिकोसिस काज कर रहे उस टिश्यू को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131 इज़ 8 डेज, सो बाई 2 मंथ्स इट्स रेडियो एक्टिविटी हैज़ इफेक्टिवली डिसअपियर्ड। ये तकरीबन 2 दिन 2 महीने तक इसकी रेडियो एक्टिविटी होती है, उसके बाद ये कम हो जाती है। ठीक है, डोज जो है इसका ये 5 से लेके 15 मिली क्यूरीज तक है। तो जो रेडियोलॉजी के स्टूडेंट है उनको भी पता है कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं या जो रेडिएशन है इनके डोजेज़ हम मिली क्यूरीज में देते हैं, और जो दूसरे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है सर्जिकल वाले इनको मैंने बताया था डोजेज ऑफ द रेडिएशन, तो उसमें हम ये कैलकुलेट करते हैं 5 से 15 मिली क्यूरीज तक। इट इज़ गिवन एज ए सिंगल डोज बट इट्स साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन द ग्लैंड इज़ देयर फॉर 1 to 2 मंथ। तो इसको हम सिंगल डोज में देते हैं लेकिन ये टिश्यू में जाके डिपॉजिट होता है और इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो 1 से 2 महीने तक वो बरकरार रहती है। ठीक है, इसके बाद है थायरो थायो यूरिलीन्स। ठीक है, तो थायो यूरिलीन्स जो है दे आर ग्रुप ऑफ ड्रग, इसके अंदर है कार्बिमाजोल, मिथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायो यूरासिल। थायो यूरिलीन्स जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि दे डिक्रीज द आउटपुट ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन की जो प्रोडक्शन रेट है उसको कम करते हैं। ठीक है, एंड काज ग्रेजुअल रिडक्शन इन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस। द बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड पल्स रेट रिटर्निंग टू नॉर्मल ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 वीक्स। जब ये ड्रग्स हम लेना शुरू कर दें तो 3 से 4 महीने हफ्तों में जो थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इट इज़ थॉट दैट दे इनहिबिट द थायरोपरोक्सीडेज कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो थायरोपरोक्सीडेज एंजाइम है इसको ये इनहिबिट करता है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन रेट कम हो जाती है। अनवांटेड इफेक्ट्स, द मोस्ट डेंजरस अनवांटेड इफेक्ट ऑफ थायो रिलीन ड्रग इज न्यूट्रोपिनिया एंड एग्रेनुलोसाइटोसिस। ये न्यूट्रोफिल काउंट को डिक्रीज करता है नॉर्मल से कम पे, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपिनिया, और एग्रेनुलोसाइटोसिस ग्रेनुलोसाइट्स की जो काउंट है उसको भी कम करता है, सीवियर डिफिशेंसी करता है ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स, इसको हम कहते हैं एग्रेनुलोसाइटोसिस। इसके बाद है नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन या आयोडाइड। ठीक है, ऐसा आयोडीन जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है, इट इज़ कन्वर्टेड इन वीवो टू आयोडाइड। अगर हम ये ले लें आयोडीन तो ये बॉडी के अंदर जाके ख़ुद ब खुद मिनरल आयोडीन से आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, आयोनिक फॉर्म में आ जाता है, विच टेम्प्रेरली इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये टेम्परेरीली थायराइड हार्मोन के रिलीज़ को कम करता है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करता। व्हेन हाई डोजेस ऑफ द आयोडीन आर गिवन टू थायरोटॉक्सिक पेशेंट द सिम्टम्स सबसाइड विद इन 1 to 2 डेज। 1 से 2 दिन तक इसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस के। देयर इज़ इनहिबिशन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड ओवर ए पीरियड ऑफ 10 to 14 डेज द मार्क रिडक्शन इन वास्कुलरिटी ऑफ द ग्लैंड विच बिकम स्मॉलर एंड फर्मर। ये जब हम आयोडीन लेते हैं तो थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स 1 से 2 दिन में कम होना शुरू होते हैं लेकिन 10 से 14 दिन में ग्लैंड का साइज़ कम हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर जो वास्कुलरिटी है ब्लड विसल्स की ओवर प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और ग्लैंड जो है सॉफ्ट हो जाता है और फर्म हो जाता है। ठीक है, आयोडीन इज़ ऑफन गिवन ओरली इन ए सोल्यूशन विद पोटाशियम आयोडाइड। आयोडीन को हम पोटाशियम के साथ मिक्सअप करके सोल्यूशन में फॉर्म में देते हैं ओरली, उसको बोलते हैं लूगल्स आयोडीन। विद द कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन इट्स इफेक्ट्स रीचेस मैक्सिमम विद इन 10 to 15 डेज एंड देन डिक्रीजेस। इसके जो मैक्सिमम इफ़ेक्ट हैं वो अगर हम ये रोज़ाना आयोडीन दे तो 10 से 15 दिन में इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट एंटायरली क्लियर। ये जो है बिल्कुल क्लियरली वाजे नहीं है कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, लेकिन ये जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है थायराइड ग्लैंड के अंदर जो कि रिक्वायर है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स,
एंड इट इज़ यूज फॉर द थायरोग्लोबुलिन आयोडिनेशन। ठीक है, ये थायरोग्लोबुलिन आयोडिनेशन को ये कम करता है। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है इसका अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन सिर्फ ये पता है कि ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 इसकी जनरेशन को कम करता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन रेट कम हो जाती है। यूजेस, द मेन यूजेस ऑफ आयोडीन आर आयोडाइड आर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइपर थायराइड सब्जेक्ट्स फॉर द सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड की सर्जरी है, इससे पहले हम इसको स्मूथ करने के लिए, थायराइड हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन को कम करने के लिए आयोडीन देते हैं। एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर थायरोटॉक्सिक क्राइसिस और थायराइड स्टॉर्म। हमारे बॉडी में जब हद से ज़्यादा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं, तो इट क्रिएट्स ए कंडीशन विच इज़ नोन एज थायराइड स्टॉर्म, या थायराइड का जो तूफान है इसको कम करते हैं। द एडवर्स इफेक्ट्स आर एलर्जिक रिएक्शन, दीज इंक्लूड एंजियोएडेमा, इट इज़ सीवियर फॉर्म ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन, रेशेज एंड ड्रग फीवर, लेक्रिमेशन, कंजक्टिवाइटिस, पेन इन द स्लेवरी ग्लैंड एंड ए कोल्ड लाइक सिंड्रोम आर डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट कनेक्टेड टू द कंसनट्रेशन ऑफ आयोडाइड बाई ट्रांसपोर्ट मेकेनिज्म इन टीयर्स एंड सलाइवा। ये जो आयोडीन है, ये ओरल एब्जॉर्प्शन के बाद ये सलाइवा और टीयर्स में सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से लेक्रिमेशन और कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है। ठीक है, अदर ड्रग्स जो है जो यूज़ हो सकते हैं, जो कि एंटी थायराइडल तो नहीं है, बट दे आर इनडायरेक्टली यूज फॉर द सिम्टम्स ऑफ द रिडक्शन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द थायराइड टॉक्सिकोसिस। दे आर बीटा एड्रिनोसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास है प्रोपेनोलाल। तो जो प्रोपेनोलाल है, इट इज़ एक्चुअली एंटी हाइपरटेंसियो बीटा ब्लॉकर ड्रग, लेकिन ओवर थायराइड प्रोडक्शन में या ओवर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में हमारे बॉडी में क्या होता है, टिकिकार्डिया होता है। ठीक है, तो टिकिकार्डिया होता है और कार्डिक एरिदमिया होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोप्रेनोलाल यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर यूज फॉर डिक्रीजिंग मेनी ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है, टिकिकार्डिया होता है, डिसरिदमिया या कार्डिक एरिदमिया होता है, ट्रीमर्स होते हैं, हाथ पांव लरजते हैं, एजिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है, उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए हम बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं बाय द प्रोप्रेनोलाल। ठीक है, दे आर यूज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ थायरोटॉक्सिक पेशेंट फॉर सर्जरी एज वेल एज इन मोस्ट हाइपर थायराइड पेशेंट ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रीटमेंट पीरियड वाइल द थायो यूरिलीन्स आर रेडियो आयोडीन टेक इफेक्ट्स एज ए पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हाइपर थायराइड क्राइसिस। तो जब तक ये जो थायो यूरिलीन्स है या रेडियो आयोडीन है, ये काम करना शुरू करता है, इसके साथ साथ हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। ठीक है, या सर्जरी से पहले हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। ग्वानिथिडीन एक ड्रग है, ये एक नार एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है, ये नार एड्रिनलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। दिस इज़ यूज टू डिक्रीज आर एमिल्योरेट द एक्सोप्थैल्मिस ऑफ द हाइपर थायराइडिज्म। ये जो हाइपर थायराइडिज्म है, इसके पेशेंट को बल्जिंग ऑफ आइज होती है, इसकी जो आइज़ हैं वो बाहर को निकली हुई नज़र आती हैं। ठीक है, स्लाइड के आखिर में मैंने उसकी पिक्चर डाली है। तो इसकी जो हाइपर थायराइडिज्म है, उससे जो एक्सोप्थैल्मोसिस होता है, इससे जो आईलिड्स हैं वो ऊपर को उठे होते हैं, इनको हम बोलते हैं आईलिड रिट्रैक्शन। तो आईलिड रिट्रैक्शन के अंदर उसके जो स्मूथ मसल है उसको रिलैक्स करने के लिए ग्वानिथिडीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हाइपोथायराइडिज्म। द हाइपोथायराइडिज्म इज़ द डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इन सीवियर केसेस इट काजेज मेक्सोडीमा। ये जो मेक्सोडीमा है, इट इज़ द एडिमेटस कंडीशन इन द फेस। ठीक है, ये जो मेक्सोडीमा है, ये आई के नीचे फेस के जो मसल्स हैं, इसमें ओडीमा होता है, इसको हम बोलते हैं मेक्सोडीमा। इट इज़ ए सिम्टम ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। वंस अगेन दिस डिजीज़ इज़ इम्यूनोलॉजिकल इन ओरिजन। इसका ताल्लुक इम्यून सिस्टम से है, जेनेटिक्स से भी है। एंड द मैनिफेस्टेशन इंक्लूड लो मेटाबॉलिक रेट, स्लो स्पीच, डीप हॉर्स वॉइस, लिथर्जी। मेटाबॉलिक रेट कम होता है, आवाज़ उसकी बहुत स्लो होती है पेशेंट की, और जो वॉइस है वो हार्स वॉइस होता है,
हॉर्स वॉइस होता है, हस्की वॉइस होता है, बॉडी जो है उसमें लिथर्जी होती है। लिथर्जी मींस के देयर इज़ लेक ऑफ एनर्जी, ब्रेडिकार्डिया होता है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड मेंटल इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये जो है हाइपरथायरायडिज्म में क्या होता था, ये उसको गर्मी ज़्यादा लगती थी। हाइपोथायरायडिज्म में क्या है, इसको सर्दी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, पेशेंट आल्सो डेवलप ए करेक्टरिस्टिक थिकनिंग ऑफ द स्किन काज बाय द सबकुटेनियस डिपोजिशन ऑफ द ग्लूकोजो अमीनो ग्लाइकेंस या ग्लाइकोजो अमीनो ग्लाइकेंस। जो स्किन है इसके अंदर ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से स्किन जो है सख्त नज़र आता है। ठीक है, इट गिव्स द मिक्सोडीमा इट्स नेम। ये जो मिक्सोडीमा का नेम है ये इसी वजह से डेवलप हुआ है कि आंखों के नीचे ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। एक कंडीशन है हाशिमोतो थायरोडाइटिस, इट इज़ ए क्रॉनिक ऑटो अम्यून डिजीज इन विच देयर इज़ एन अम्यून रिएक्शन अगेंस्ट द थायरोग्लोबुलिन और सम अदर कंपोनेंट ऑफ द थायराइड टिशू। थायराइड टिशू के अंदर जो थायरोग्लोबुलिन होते हैं बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ बन के थायरोग्लोबुलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको हम बोलते हैं हाशिमोतो थायरोडाइटिस। इट कैन लीड टू द हाइपोथायरायडिज्म एंड मिक्सोडीमा एंड देयर आर जेनेटिक फैक्टर्स विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द हाइपोथायरायडिज्म। इसके बाद जो है देयर आर नो ड्रग्स डेट स्पेसिफिकली अगमेंट द सिंथिसिस आर रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन। इस तरह नहीं होता कि हम जो ड्रग्स दे रहे हैं वो थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा दे या उसकी कमी को पूरा कर दे, सिवाय इसके कि हम उसको हार्मोन्स की थेरेपी दें, कि हम हार्मोन ही उसे खिला दें। द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरायडिज्म अनलेस इट इज़ काज बाय आयोडीन डिफिशियंसी। अगर हाइपोथायरायडिज्म आयोडीन डिफिशियंसी से हो रहा है, जिस तरह हमें पता है हमारे बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन है ट्राई आयोडो थायरोनिन और टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, तो ये इसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन चाहिए। तो अगर हमारे बॉडी में आयोडीन कम है तो T3 और T4 कम बनेगा, लेकिन अगर आयोडीन की कमी नहीं है और फिर भी आयोडा जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन सही रिलीज़ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि हमें इसको फिर हार्मोनली थायराइड हार्मोन देने पड़ेंगे। तो एक जो है थायरोक्सिन है थायराइड हार्मोन, इसका जो ऑफिशियल नेम है इसको लिवोथायरोक्सिन बोलते हैं, और दूसरा है ट्राई आयोडो थायरोनिन, इसको लियो थायरोनिन भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर द सिंथेटिक कंपाउंड्स आइडेंटिकल टू द नेचुरल हार्मोन्स एंड दे आर गिवन ओरली। द थायरोक्सिन इज़ द सोडियम सॉल्ट इन डोजेज ऑफ 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे इज़ द यूजुअल फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, थायरोक्सिन जो है इसको हम 50 से लेके 100 माइक्रोग्राम पर डे तक देते हैं, इट इज़ द यूजुअल फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, जो लियो थायरोनिन है इट हैज़ ए फास्टर ऑनसेट बट ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो लियो थायरोनिन है, लिवो नहीं, लियो, लियो थायरोनिन जो है ये इसका इफेक्ट बहुत जल्दी अपेयर होता है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इट इज़ जनरली रिजर्व फॉर एक्यूट इमरजेंसीज सच एज द रेयर कंडीशन ऑफ मिक्सोडीमा कोमा वेयर दीज प्रॉपर्टीज़ आर एन एडवांटेज। अगर किसी में थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत कम है तो वो पेशेंट जो है मिक्सोडीमा कोमा में जाता है, तो उसको कवर करने के लिए फास्ट एक्शन के लिए लियोथायरोनिन इस्तेमाल करते हैं। ये लियोथायरोनिन का एक एडवांटेज है थायरोक्सिन के ऊपर, लेकिन थायरोक्सिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है, इसकी ड्यूरेशन जो है ज़्यादा टाइम के लिए होती है, लियोथायरोनिन की कम होती है। द अनवांटेड इफेक्ट्स में अकर विद ओवरडोज। अगर हम जो थायरोक्सिन या लियोथायरोनिन है इसके अगर हम हद से ज़्यादा डोज दें, ओवर डोज दें, तो फिर उसके अनवांटेड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इन एडिशन टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म देयर इज़ रिस्क ऑफ प्रिसिपिटेटिंग एंजाइना पिक्टोरस। तो हम अगर ओवर डोज दे दें तो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कम हो के हाइपर थायरॉयडिज्म की साइन एंड सिम्टम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा कि किसी को एंजाइना पिक्टोरस है, कार्डिक पेन है, तो वो ज़्यादा हो सकता है, कार्डिक एरिदमिया ज़्यादा हो सकता है, कार्डिक फेलियर हो सकती है। द इफेक्ट्स ऑफ लेस सेवियर ओवर डोज आर मोर इंसिडुअस, द पेशेंट फील वेल बट बोन रिजॉर्प्शन इज इंक्रीज लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। हाइपो थायरॉयडिज्म में अगर हम
थायराइड हार्मोन के ड्रग्स दे दें, हद से ज़्यादा दे दें, तो बोन से कैल्शियम निकल के और बोन्स को कमज़ोर कर सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ये जो स्लाइड है, अगर इसको आप बड़ा करके देख लें तो ये हाइपरथायरायडिज्म के सिम्टम्स हैं, ये वाले। इसमें बल्जिंग है, रिट स्वोलन आईज है। इसकी जो डायग्नोसिस है क्लिनिकल, ये थायराइड ग्लैंड को हम ऑब्ज़र्व करते हैं और साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं, ठीक है। स्किन और आई चेंजेस को देखते हैं। इसके लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन भी हो सकता है, ठीक है। डिटेक्ट द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ये हाइपरथायरायडिज्म है। ये जो दूसरा स्लाइड है, ये सेकंड वन, दिस इज़ हाइपोथायरायडिज्म। इसमें मिग्जिडीमा है, पेशेंट को आईज के नीचे ओडीमा है। इसके जो हेयर हैं वो कमज़ोर हैं। लेटरल आईब्रोज जो हैं ये थिन हैं, ठीक है। और पफी डल फेस है, ठीक है। और ड्राई स्किन है, ठीक है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द हाइपोथायरायडिज्म, ठीक है।